वेलकम माई फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन न्यूज़ ओनली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 16 जुलाई 2024 और आज की जो बड़ी अपडेट होने वाली है वो SSC CPO 2024 के रिजल्ट को लेकर होने वाली है। साथ ही साथ हम कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। क्या 18 जुलाई के आसपास एक रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट आई है, इसको लेकर बात करेंगे। तो इसको लेकर दोस्तों आज पार्ट 4 के अंदर डिस्कशन की जाएगी। इसको लेकर हमने और हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कट ऑफ पे चर्चा कर पाएंगे, साथ ही साथ आपके रिजल्ट के संबंधी जो जानकारी है उसको भी डिस्कस कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे जो SSC CPO के स्टूडेंट हैं उन्होंने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है, ज्वाइन करके रखा है, क्योंकि उन्हें ये पता है लेटेस्ट जानकारी जो भी होती है यहाँ पर सबसे पहले अपलोड की जाती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप तक हर प्रकार का अपडेट्स पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपके रिजल्ट के रिलेटेड न्यूज़ आई हैं, उसमें आप देख सकते हैं SSC CPO रिजल्ट 2024 की लाइव अपडेट है। ये आज की अपडेट है। देखिए, ऊपर की तरफ आपकी जानकारी है पेपर को लेकर, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि SSC CPO रिजल्ट 2024 विल बी एक्सपेक्टेड ऑन 18 जुलाई 2024। ये जो लिखा है दोस्तों, ये लेटेस्ट जानकारी है कि 18 जुलाई पर ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, कि 18 जुलाई को आने की एक संभावना है। हालांकि फिक्स नहीं है दोस्तों, लेकिन एक संभावना है, एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है, इस डेट को हमारा रिजल्ट जारी हो सकता है। दूसरी बात करेंगे हम कट ऑफ को लेकर। दोस्तों, कट ऑफ को लेकर सबसे पहले हमने पेपर के लेवल को लेकर पोल करवाया, तो 12% बच्चे बोल रहे थे कि पेपर का लेवल ईजी था। लगभग 20% बच्चों ने बोला पेपर का लेवल मीडियम था, और हार्ड मात्र 7% बच्चों ने बोला। तो पेपर का लेवल दोस्तों मीडियम था, ये बात तो यहीं से कंफर्म होगी कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं जाएगी, कट ऑफ बीच की ही जाएगी, एवरेज कट ऑफ जाएगी, मीडियम कट ऑफ जाएगी। आप रिजल्ट के वक्त भी देख लेना, बहुत सारे यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा, हमने पोल करवाया था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 23% हाईएस्ट वोटिंग हुई है, जिसमें बच्चे ये बता रहे हैं कि उनका जो मार्क्स है वो 120 और 130 के बीच में ज़्यादातर आ रहा है। तो जो हमें हमारा सेफ स्कोर मिल रहा है वो 120 और 130 के बीच में ही मिल रहा है। अगर आपका स्कोर ये आ रहा है तो फिर आप कंफर्म रूप से इसमें टायर वन में क्वालिफाई हो जाओगे टायर टू के लिए। लेकिन दोस्तों, रिजर्वेशन का कंट्री है हमारा, और रिजर्वेशन के बेस पर देखा जाए तो हमारी ये कट ऑफ भी हमको मिल सकती है। SC का 100 से 105, ST का 85 से 95, OBC का 115, ये मतलब ये देख सकते हैं ये रेंज में ही कट ऑफ रहेगा। ये मेल का रहेगा तो ये फीमेल का रहेगा। हो सकता है इससे बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि उनके वो मार्क्स नहीं हैं जो वीडियो में बताए जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।